भाई बहन के रिश्ते को तार तार कर देने वाली खबर सोनीपत से सामने आई है। गांव रोहणा में उस समय सनसनी फैल गई जब गांव में एक घर में गोलियों की आवाज सुनाई दी। मिली जानकारी के अनुसार 21 वर्षीय छात्रा खुशबू की उसके चचेरे भाई ने गोलियों से भून कर हत्या कर दी। जब छात्रा को खरखौदा के सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सोनीपत की खरखौदा थाना पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची एसीपी जीत सिंह बेनीवाल का कहना है कि प्राथमिक जांच में एक युवक को काबू किया है जिससे पूछताछ की जा रही है। जिस हथियार से गोली चली है उसे अभी काबू नहीं किया गया। हमारे पास सूचना आई थी हॉस्पिटल से कि एक लड़की का गोली लगने के बाद यहाँ हमारे हॉस्पिटल में आई है, उस पर हमारी टीम गई है, मैं भी मौके पर गया था। तो लड़की की 2 गोली लगी हुई है, बाकी पोस्टमार्टम में कन्फर्म होगा। तो उनके फादर को बुलाया गया, बयान लेके और मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सर किसने गोली मारी है कुछ पता चला? अभी कोई परिवार का ही लड़का बता रहे हैं जिससे गोली चली है, और अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमने एक लड़का बुला भी रखा है, बिठा रखा है, पूछताछ कर रहे हैं। एक बार पूछताछ करने के बाद जो भी कहानी होगी। सर जो जिस असले से गोली चली थी क्या वो कब्जे में लिया गया? अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, टीम गई हुई है हमारी, उसके बाद जो भी कार्रवाई हुई आपको बता देंगे। सर असला लाइसेंसी था या फिर अभी प्रथम दृष्टया में अवैध असला लग रहा है हमें, तो बाकी रिकवर होने के बाद कन्फर्म होगा कि असला लाइसेंस ही है। दूसरा सर क्या नाम है मृतक लड़की का? मृतक लड़की करीब 21 साल की खुशबू नाम की है, उनके फादर का नाम मनोज है। क्या पुलिस ने आरोपी को काबू कर लिया है? अभी तक नहीं, अभी तक हमारी टीम गई हुई है, हम जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। पुलिस के मुताबिक खुशबू को मारने की कोई घरेलू वजह हो सकती है। फिलहाल ये सभी अभी जांच का विषय है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर खुशबू को कितनी गोलियां मारी गई हैं। सोनीपत पुलिस मामले की जांच कर रही है। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।